धन्यवाद माननीय सुनीलाल राम जी। आई रौतहट जिला के गरुड़ा नगर पालिका पोठियाही गांव में बहुजन एकता पार्टी के विचारधारा के सुने के लिए हुकुमरान समाज बनाबे के दिशा में अग्रसर हो के चाहना लेके जे कार्यक्रम आयोजना भेले कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष महोदय अपने सबके बीच में उपस्थित जे बहुजन समाज के दुख दर्द में बहुजन समाज के ऊपर होय वाला अन्याय अत्याचार में देश में हो अथवा प्रदेश में हो कहीं भी जब घटना घटे छे सबसे पहले प्रतिक्रिया देवे के लेल सड़क पर उपस्थित होय वाला हमने सबके वरिष्ठ नेता माननीय राजाराम पासवान जी, पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सत्यनारायण महाराज जी, केंद्रीय सदस्य जितेंद्र राम जी और गरुड़ा नगर पालिका से आयल राजगीर महाराज जी, ऐसे ही जिला में बहुजन एकता के मिसाल बनावे वाला सुनीलाल राम जी के गांव के संपूर्ण भद्र बलादमी महिला एवं सज्जन वृंद बुद्धिजीवी युवा साथी सब में हम हरिनंदन कुमार रंजन बहुजन एकता पार्टी नेपाल के ओर से और व्यक्तिगत ओर से आ सब के हार्दिक अभिनंदन करे लागी चाहे छी स्वीकारू। जय भीम जय मूल्यवासी। आई के समय जे अपने सब हमनी सब के देले छी आई के जे महत्वपूर्ण घड़ी जे आ सब बैठ के हमनी सब के बीच में एगो छल पल करे के लेल एगो बीजन बुझे के लेल आई देश में गरीब समाज के साथ न्याय मिले के लेल या हमरा सब के जे इच्छा है परिवर्तन के ओई परिवर्तन के साकार करावे के दिशा में एहन प्रतिकूल मौसम में भी जे ठंडी के मौसम है और गरीब समाज के लोग के मजदूरी करे वाला समय है इ तमाम चीज के साइड में रख के मुक्ति के इच्छा लेके जे आंदोलन में शरीक होय के लिए आयल छी इनका सभी आदमी सब के फिर से एक बार हरिनंदन कुमार रंजन के ओर से और हमरा पार्टी के ओर से श्री छाप के ओर से हार्दिक नमन करे लागी चाहे अपने सब के आई कहे लागी आयल छी रौतहट में हजारों साल से जे बर्बर अन्याय और अत्याचार हमरा समाज के ऊपर होते आ रहा है माई बहन के साथ हत्या हिंसा और बलात्कार होते आ रहा है गरीब के मुंह में निवाला के कमी होते आ रहा है एक एक वस्त्र के लेल रोटी कपड़ा और मकान के लेल शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लेल दर दर भटके वाला काम जे हजारों साल से मनुवादी व्यवस्था हमनी के ऊपर लादते आ रहा है हमनी के भाई के पुलिस के कस्टडी में मारे के काम करते आ रहा है आई यहाँ से फैसला सुने के लिए आयल छी कि वही पार्टी सबके चाकरी और दलाली करते रहे के है या निरंजन राम विजय राम के हत्यारा से बदला लेवे के है ई चीज यहाँ से पूछे के लिए आयल छी अगर बदला लेवे लागी चाहे छी हत्या हिंसा और बलात्कार के ऐ देश में गरीब समाज के हुक्मरान बनावे लागी चाहे छी ऐ देश में गरीब के आंसू पूछे लागी चाहे छी ते ऐ देश में एकमात्र विकल्प गरीब के पार्टी अल्पसंख्यक समाज के पार्टी मुसलमान समाज के पार्टी और सबसे उत्पीड़न में परल दलित समाज के पार्टी बहुजन एकता पार्टी श्री छाप ही विकल्प है अगर यहाँ दूसरा और भटकी थी तो भटकते रह जाओ 72 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में देखो पार्टीगत इतिहास में देखो आई से 72 साल पहले जरा हम यहाँ बड़का पार्टी कही थी आई क्रांतिकारी पार्टी कही थी आई माओवादी माले कहे छे मधेशवादी पार्टी कहे छे 72 साल पहले से दलित समाज के माई बहन के साथ दलित समाज के बुजुर्ग लोग के साथ विभिन्न किस्म के वादा कैले है विभिन्न किस्म के प्रतिज्ञा कैले है विभिन्न किस्म के आशा और भरोसा देखैले है 72 साल पहले गाछी छाप वाला कहले रहे कि एगो गरीब के भी भूमिहीन न रहे देबे एगो दलित मजदूर के साथ भेदभाव न होते हर समाज के घरे हर समाज के लोग के हर घर में बहुजन समाज जकरा हम सब कह रहल छिए ओकरा घरे हत्या हिंसा और बलात्कार न होते नौकरी मिलते रोजगार मिलते आई के नारा न है 72 साल पहले आई देश में कांग्रेस पार्टी के लोग नारा दे रहे हैं आवाज कम करना बहत्तर साल पहले
72 साल पहले गाछी छाप वाला यहाँ सबके कहले रहे कि हर भूमिहीन के जल जंगल और जमीन में हिस्सेदारी देवे कि मिल गेल कि यहाँ ये देश में जतेक अछूत बन के जी रहल छी, जतेक गरीब बन के जी रहल छी कि सारा समाज के जल जंगल जमीन में हिस्सेदारी मिलल है। अगर जल जंगल जमीन में जे पार्टी 72 साल पहले अहाँ के कहलक कि हिस्सेदारी देम, अगर आई भी अहाँ के जमीन में पहुँचना है, आई भी खेत न है, आई भी अहाँ के उपजाऊ करे वाला भूमि न है, तो कौन शर्म से, कौन विचार से, कौन हिसाब से आई हमारा अहाँ के समाज वही कांग्रेस पार्टी के गाछी छाप में वोट दी जवाब मांगे के लिए अहाँ सबके गाँव में। अरे जब ये देश में माओवादी पार्टी के शुरुआत भले 1952 साल में, जब ये देश में गरीब के मुक्ति के नाम पर बंदूक उठलाई, वही बंदूक उठावे वाला में अगर सबसे पहले कोनो मरल है और शहीद बनल है तो एगो दलित के बेटा दिल बहादुर रमतेल शहीद बनल है। लेकिन दलित के खून से होली खेल के संसद में पुगला के बाद आज तक ले एगो भी दलित के पावरफुल मंत्री बनावे के काम माओवादी कैल हो तो यहाँ के गुलामी करम, लेकिन जब से माओवादी सरकार में गेल दलित के ऊपर हत्या हिंसा बलात्कार ज्यादा हो रहा लेकिन हो रहा इस चीज यहाँ सबके विचार करे के है कि ना है। अरे मधेश के नाव पर ये देश में लूटतंत्र बचल है, मधेश के नाव पर लड़ाई लड़े के लेल सबसे पहला अगर कोनो माई बहन गेल होती फील्ड में युद्ध के मैदान में झंडा उठावे लागी, पुलिस प्रशासन से लड़ाई करे के लेल, हक अधिकार के मांगे के लेल, जय मधेश के नारा लगावे के लेल, तो चमार दुसाद मुसर खतबे नाहीते निकल बार लोहार के माई बहन गेल होते। लेकिन ये देश में जब मधेसिया के सरकार चल रहा है प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एगो जात के मंत्री बनी छाई और एगो जात के साथ न्याय भई छाई, बाकी सब जात कोनो मधेसी के रूप में देखा न पड़ रहा है कि मधेसी के नाम में अहा वही जसपा के आई देवे लागी चाहे छी, वही लोसपा के आई देवे लागी चाहे छी। जब पद लेवे के होई छै रंग बिरंग के हथकंडा अपना बिछाई, लेकिन जब विजय राम के हत्या होई छै पुलिस कस्टडी में और निरंजन राम के हत्या होई छै रौतहट जिला में, तो कोनो पार्टी के नेता यहाँ के आंसू पूछे के लेल ना भी है। यहाँ के दलित भाई हरेक जिला में अइ प्रदेश के कोना कोना में अगर आंसू पूछे के काम करिए तो बहुजन एकता पार्टी सीढ़ी छाप वाला कैले है, कोनो दोसर आदमी न करे आयल है। यहाँ के गाँव में आके बोल रहा छी गर्व से, रौतहट जिला में अहाँ सब बड़का आंदोलन कैली, हम सब भी सहभागी भेली, लेकिन जतेक पार्टी में लागल लोग थी अपना अपना पार्टी के बैनर एगो भी देखा दे हो जो कांग्रेस माओवादी है माले चाहे मधेसिया पार्टी के बैनर पर निरंजन राम के फोटो हो और न्याय के लिए आवाज उठल हो। बहुजन एकता पार्टी रौतहट के बाहर चाहे परसा में हो आंदोलन, चाहे बारा जिला में हो आंदोलन, चाहे महोत्री जिला में हो, चाहे सरलाही के गांव गांव टोल टोल में निरंजन के न्याय के आवाज उठे, चाहे धनुषाद में हो, चाहे सिराह में हो, चाहे सप्तरी में हो, सब जगह रौतहट के मात्रे बात न कर छी, सब जगह अगर निरंजन के लेल कोनो रोई लागी खड़ा है, कोनो न्याय के आवाज लागी खड़ा है, तो बहुजन एकता पार्टी खड़ा भेल है, दोसर कोनो खड़ा न भेल। अगर यहाँ के जब आंसू गिरी माई बहन के साथ हत्या हिंसा बलात्कार हो जय पार्टी के झंडा बोक के आई तक ले हम यहाँ छी, वहाँ के बलात्कारी के बचावे के काम करिए, वहाँ के हत्यारा के बचावे के काम करिए। अब यहाँ सभी सोचू कि जे यहाँ के हत्या हिंसा और बलात्कार करिए ओकरा बचावे वाला पार्टी के साथ रहम या ओकरा से बदला लेवे वाला पार्टी के साथ रहम। बहुजन एकता पार्टी आई देश में गरीब के ऊपर हो रहा 3500 साल से जे न्याय अत्याचार है ओकरा मिटा के बदला लेवे वाला पार्टी के रूप में इस देश में स्थापित कर ले छी। जे हमनी के माई बहन के बाबू भैया के खदिया में के पानी न पिए देलक, जोन पार्टी में यहाँ सब लागल छी वही पार्टी के नेता सब दलित महिला के देह पर वस्त्र भी न लगावे देवे के काम करित रहले, ओकर बाप दादा हमनी के बाप दादा के घेट में कटिया बांध देले रहलक, रोड पर थूक न बिगे दैत रहलक, अगर थूक भी पिए के होइत रहले हमनी के बाप दादा के तो घेट में बांधल कटिया में बिगे के पड़ित रहले। आई ओकर बेटा सब अहाँ के हुक्मरान बनावे के झीटो सपना देखाबिए और कम्युनिस्ट के नाम पर कांग्रेस के नाम पर गरीब और दलित समाज के साथ अन्याय अत्याचार करिए, फिर भी
जे हमनी के बाप दादा के मारले है वही हथियारा के पार्टी में आई भी हम यहाँ चमचागिरी और गुलामगिरी करे के लेल तरस रहल छी और कहे छी हम बड़का पार्टी में छी ए छोटका पार्टी से कथी होते। अरे जतेक बड़का पार्टी है ओतेक ज्यादा हत्या कैले है, जतेक बड़का पार्टी है दलित पिछड़ा समाज के साथ ओतेक बलात्कार कैले है। अगर बड़का पार्टी कह के हत्यारा के पार्टी में रह लागी चाहे छी, बड़का पार्टी कह के बलात्कारी के पार्टी में रह लागी चाहे छी, तो हमनी के कहे के कुछियो न है। हम गिड़गिड़ाए के लिए यहाँ के बीच में ना आयल छी, हम ही कहे के लिए आयल छी कि बहुजन एकता पार्टी यहाँ के आत्मसम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर बेइज्जत होके जिए के है तो जाओ एमाले कांग्रेस माओवादी में रहो, लेकिन इज्जत मान और सम्मान के साथ जिए के है तो आई से सोच लू सीढ़ी छाप के बाहर दोसर कोनो दिक्कत। हम सब अहा के लोभ में फसावे के लिए नहीं आयल छी, ई लड़ाई सिर्फ हमर न है, अहा के कहे लागी आयल छी। इज्जत से बढ़ के दुनिया में कोनो न है, लेकिन चमार दुसाद मुसर खतरे आत्मा कुर्मी कहार हजाम लोहार बढ़ी के ऐ समाज के लोग कते इज्जत दैया, बिन मला सहनी निसाद के कते इज्जत दैया। हम सब यही चीज के बुझावे के लेल अपने के बीच में आयल छी। यह चीज कहे लागी के देश में दू गो विचारधारा है, एगो विचारधारा चाहे छै समार के बेटा खाली छाला के काम करित रहे, समार के बेटा खाली जूता चप्पल सिए, दुसाद के बेटा खाली गुलामी करे, कोई कहार के बेटा खाली हर जोते, हजाम के बेटा खाली केस काटे, तेली कलवार के बेटा खाली तेल बेचे, और जात उहे खाली शासन चलावे। वही व्यवस्था के खिलाफ हम ही कहे लागी आयल छी कि हजाम के काम सैलून में खाली केस काटे के न होए के चाहे, चमार के काम सुइया डोरा लगा के खाली जूता चप्पल बनावे के न होए के चाहे। अरे चमार के काम भी है देश में मंत्रालय में बैठ के अपना माई बहन के इज्जत बचावे से लेके सारा विकास निर्माण के काम करे के अधिकार मिले के चाहे, यही चीज के लिए लड़ाई हो रहा है। अब यहाँ के बुझे के है अगर सब दिन कोनो बात न है, आ ई सोचित हो भाई कि तो अपना लेल करै छै, ई तो सब नेता जब छै तेहने हो जाय छै, दोसर नेता में और हमनी में की फर्क, ऐसे बात बताबे के लिए आयल छै अपने सब के बीच में। दोसर नेता सब नेता बन के आबिया, लेकिन बहुजन एकता पार्टी वाला अहाँ के बेटा बन के आबिया, और बेटा कोन आधार में कहै छी, जति घड़ी कोरोना के समय में महामारी के समय में जोन पार्टी में हमर समाज 72 साल से वोट देते आ रहा है ओकर एसी में रहे वाला नेता घर से बाहर न निकले, वही समय में नवलपुर में हाईवे जाम करके पुलिस के बूट खाए के काम पुलिस के लाठी खाए के काम करे वाला यहाँ के बेटा हो सकिए नेता न हो सके। आई अथी में कहे छी हम यहाँ सबके ही बात जानकारी करावे देवे लागी चाहे छी, एलचा बेलचा तमलचा दलित समाज में भी है, हर एक पार्टी के चमचागिरी करे वाला दलित नेता भी है। धोनी का हम चमार के बेटा छी, हम मुसर के बेटा छी, हम तो तोरे बेटा छी, हमरा पार्टी में भोर दा हमारे वाले पार्टी है, हम फल्ला शाह जी के एकदम दहिना हाथ छियो, हम फल्ला अधिकारी जी के बाया हाथ छियो, कहे के लेल चमार दुसाद मुसर खतरे से कोई अहिर में भी आए यहाँ के बीच में, वो तिगर यहाँ के पूछे के है फैसला करे के है। जब प्रदेश नंबर 2 के सरकार आई देश में प्रदेश में कौन समाज के कतेक बेटा पुलिस बने के चाहे से कानून पास करित रहे जनकपुर के संसद में, वही में दलित के चमचा नेता भी 7 से ज्यादा संख्या में प्रतिनिधित्व अभी भी कर रहा एमाले कांग्रेस जैसन पार्टी से मधेसिया जैसन पार्टी से, लेकिन केकर समाज के कई प्रतिशत पुलिस बने के चाहे आई प्रदेश में ओकर जब कानून पास होते रहे आई 7 में से एगो भी बोले के लिए तैयार न रहे, हमने सबके अपना नेतृत्व में संसद भवन के इतिहास में पहले बेर घेरा हाल के जेकर जतेक जनसंख्या है ओई जनसंख्या के आधार पर पुलिस बने के कानून पास करवैले छी। ई चीज कहे के लिए अपने सब अहाँ के बिना कहले रहा के लड़ाई लड़ रहा छी, अहाँ के पता न है कि अहाँ के लेल कोनो सड़क पर मर रहा है, अगर कोनो आदमी के पता भी ना हो कि हमर लड़ाई कौन लड़ रहा है, ओहन लड़ाई लड़े वाला कोनो माई के बेटा होता है, वही से अहाँ के कहे लागे आयल छी कि बहुजन एकता पार्टी वाला अहाँ के लड़ाई लड़िए अहाँ के पतो न है, आई लागी लड़ रहा है कि अहाँ के बीच में और हमरा बीच में नेता और पार्टी के संबंध न है, अहाँ के बीच में और हमनी के बीच में माई और बेटा के संबंध है, भाई और भाई के संबंध है, आई के चलते इस संबंध के लाज रह सके यहाँ सबके,
आई संबंध के लाज रखे के है, बार बार अहा के ठग लेलक, अहा के बेटा कहियो अहा से वोट मांगे न आयल। हम सभी कहे लागी आयल छी कि जोन पार्टी अहा के आई तक ले टिकट न देलक, जोन पार्टी इज्जत न दैया, जोन पार्टी में प्रतिष्ठा न मिलिया, जोन संगठन में अहा के माई बहन के बलात्कार होला के बाद में भी संगठन के नेता न बोली जाए, वही संगठन कोई पार्टी के लात मारू और बाबा साहब अम्बेडकर गुरु रविदास जी के बात मानू और अपना बेटा के पार्टी में आइए से ही जोड़े के कसम खा लू। जब तक लाई दिल में हिम्मत न रखम, कमजोर समाज कहियो राजा न बन सकिए, कमजोर समाज कहियो गुलामी के छुटकारा न पा सकिए, आई के चलते हमरा समाज से अपील करे के लिए आयल छी, परिवार समाज बनू, हिम्मत वाला समाज बनू, हरेक क्रिया के प्रतिक्रिया देवे वाला समाज के रूप में तैयार हो। जतेक युवा सब बैठल छी आई बा, जतेक बुजुर्ग लोग बुद्धिजीवी लोग बैठल छी, अहाँ सब जनित होबै कि देश चाहे बड़का होय, सुनो सुनो, देश चाहे छोटका होय, अगर कोनो भी देश के राजा रही छे वही राजा के काम राज चलावे के होय छे, और जो राजा रही छे उ भाड़ा के राज दरबार में कहियो राज न चलावे छे, ओकर राज दरबार अपन होय छे। अगर हम यहाँ भी राज कर लागी चाहे छी, गरीब दलित के शोषण से मुक्ति दिलावे लागी चाहे छी, तो हमरा यहाँ के भाड़ा के पार्टी के छोड़ के अपना पार्टी में हाथों में लेकर के आगे बढ़े के पड़त। भाड़ा के घर में रह के समाज के मुक्ति न कर सकी छी। जे हिसाब से यहाँ के बीच में सबसे ताजा घटना है, रौतहट के पीड़ा है, हम सब तो अनुभव कैली लेकिन यहाँ सब प्रत्यक्ष भोग ले छी। एक दिन भी संसद में प्रदेश नंबर 2 के संसद में अहाँ के दलित नेता हो या गैर दलित नेता हो कहियो निरंजन राम के लिए बोलने है, आज से वादा करी छी अगर यहाँ के एक एक वोट श्री छाप में जै दिना पड़ गए और यहाँ के एगो बेटा भी रौतहट से प्रतिनिधित्व कदल संसद में, विजय राम और निरंजन राम के न्याय भी मिलते और दोनों के नाम पर सबसे बड़का छात्रवृत्ति देवे के काम, सबसे बड़का काम पर खोले के काम कैल जाते। लेकिन उ करे के लेल अहाँ के खुद सचेत हो के पड़त। बाबा साहब अम्बेडकर जे हमनी के बाप दादा रहे, बाबा साहब अम्बेडकर कभी कहल के, बाबा साहब अम्बेडकर जब ब्राह्मणवादी से लड़ित रहे, हमरा यहाँ के बाप दादा के वोट देवे के अधिकार छीन ले रहे, हमरा यहाँ के वोटो देवे के अधिकार न रहे, चमार दुसाद मुसर खतबे ततमर पातर के जेकरा दलित कहे छे, अति पिछड़ा समाज कहे छे, निषाद कहे छे, ओहन जाति के मुसलमान जाति के वोट देवे के भी अधिकार न रहे। बाबा साहब अम्बेडकर 1932 के समय में 28 के समय में लड़ाई लड़के बात विचार करके अंग्रेज के रिझा के अंग्रेज के अपना तर्क से अपना में सहमत करा के पूरा साउथ एशिया के धरती पर रहे वाला गरीब समाज के वोट देवे का अधिकार दे, और जोन वोट बाबा साहब अम्बेडकर हमरा यहाँ के देवेले अधिकार, वही अधिकार के खिलाफ में ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पूरा जाम करे के स्थिति पर, घर चलावे के स्थिति पर कि दलित समाज के कैसे वोट देवे का अधिकार मिले। बाबा साहब अम्बेडकर के कृपलानी आचार्य नाम के बाभन कहल कहे ध्यान दू कथी कहल कहे, बल्कि वोट देवे के अधिकार तो अपना समाज के तो दबा दे रहो, लेकिन दारू मास पर चुनाव के समय में तोरा समाज के खरीद लेबो और जो वोट तोरा देवे के चाहे तोरा न दे तो हमरा देती वोट, चाहे वोट देवे वाला कितनो बना ला, लेकिन तोहर समाज दारू